ओम साई राम, वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी, और आज मैं बात करने आई हूँ आपसे 11 वचनों के बारे में। हम बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें समझते हैं? बाबा ने 11 वचनों में जो हमें वचन दिए हैं, जो बाबा ने हमें अश्योरिटी दी है, तो क्या वो हम सुनते हैं, समझते हैं? सिर्फ हम क्या करते हैं, सुनकर बोल लेते हैं बस, एक गहराई में नहीं जाते, उसे समझते नहीं हैं। जब हम डीपेस्ट में जाके समझेंगे ना चीज़ों को, और बाबा के कहे हुए वचनों को, एक एक शब्द को समझेंगे गहराई से जाकर, अपने अंदर से उसे समझेंगे कि बाबा एक्चुअली हमसे क्या कहना चाहते थे और बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। वचनों के द्वारा जो बाबा ने हमें ये 11 वचन का प्रसाद दिया है, जो ये आशीर्वाद दिया है ना, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है, इसमें हर एक चीज़ है। आपको लगता है ना कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि सारे मेरे कष्ट, मेरे दुख, दर्द सब कुछ दूर हो जाए, मैं सारे परेशानियों से दूर हो जाऊँ, जितने भी मेरे अशुभ कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाए? तो वो इसी के द्वारा हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो। हम जो सुबह शाम परमेश्वर का नाम लेते हैं, साईं का नाम लेते हैं ना, तो अगर हम बोल कर समझ कर करें ना, तो पक्का विश्वास है मुझे, पक्का विश्वास कि आपके अंदर की अंतरात्मा जागृत हो जाएगी। आपको जो विश्वास है ना, वो बाबा पर बहुत दृढ़ हो जाएगा, आपकी हिम्मत बन जाएगी, आपको रास्ते दिखाई देंगे, आपको समझ में आएगा कि बाबा आपके साथ हैं। जब आप अपनी आंखें बंद कर बाबा को एहसास कर बाबा का एक एक वचन अपने आप से कहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बाबा स्वयं आपसे कह रहे हैं। और इस तरीके से अगर आप वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके साथ बाबा होंगे, आपको एहसास होगा कि बाबा आपके साथ ही खड़े हुए हैं और बाबा आपसे दूर है ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं, जो बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ भजन की तरह गा लेते हैं, बोल लेते हैं, या एक संगीत की तरह लय में बोल जाते हैं बस। उन्हें नहीं पता होता कि 11 वचनों की शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है। बाबा का आशीर्वाद है वो, उसमें अदृश्य आशीर्वाद छुपा हुआ है, तो वो हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। जो उसकी गहराइयों में जाता है ना, जिस बाबा ने आशीर्वाद से हमें नवाजा है, तो बाबा ने हमें वो जो 11 वचन दिए हैं ना, वो बाबा ने हमें अश्योरिटी दी है कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं पर हूँ। जब भी तुम मेरे ये 11 वचन याद करोगे, बोलोगे ना, तो मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूँगा। बस तुम एक बार याद कर लेना, तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। रोज़ सुबह उठकर अगर हम ये 11 वचन बोल लेते हैं ना, अपने आप को याद दिला देते हैं कि बाबा हैं, और फिर देखना इसके पीछे का छुपे हुए अदृश्य आशीर्वाद। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे, आपको समाज से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी, रास्ता मिलेगा। और जब आप रात को भी पढ़ के सोएंगे ना, तो सुबह आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा, अच्छा महसूस होगा, आपको पूरा दिन ऐसा जाएगा जैसे कि बाबा आपके साथ हैं, सारे काम आपके बाबा करवा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, बाबा आपके सारे काम अपने आप करवाते जाएंगे, और आपके काम इतने स्मूथली होंगे ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए आज हम बाबा का एक एक वचन पढ़ेंगे और बाबा का उसका अर्थ भी समझेंगे कि बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं, कि बाबा हमसे स्वयं उन वचनों के द्वारा हमसे क्या कह रहे हैं। उन्हें समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और समझ समझ कर पढ़ेंगे, और रोज़ अपने आप को बार बार ये दोहराएंगे, फिर देखना कि आपके अंदर कितनी शक्ति, कितनी हिम्मत और कितना विश्वास आपका दृढ़ होता है बाबा के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का पहला वचन, जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तो जानते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मेरी सीढ़ी वो पावन है, जो उस सीढ़ी में आएगा, मेरी सीढ़ी में आएगा ना, उसकी सारे आपद दूर भाग जाएंगी, उसकी सारे परेशानियाँ दूर भाग जाएंगी, अपने बच्चे के सारे कष्टों को मैं हर लूँगा, उसके सारे कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा पता है क्या कहते हैं, जो मेरा बच्चा समाधि की सीढ़ी पर
पैर रख देता है ना, तो उसके तले से, जो उसके पैर के तले होते हैं ना, वहाँ पर वो सारे दुख सारे दर्द नष्ट हो जाते हैं। जब वो मेरे सीढ़ी पर अपना पैर रखता है, जब अपने पैर का तला रखता है ना, तो वहाँ पर सारे दुख और दर्द नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बाबा की सीढ़ी पर पैर रखते हैं ना, तो हमारे पैरों के तले जो भी हमारे कष्ट होते हैं, जो भी दर्द होते हैं ना, उन सबको हम कुचल कर बाबा के करीब जा रहे होते हैं। उन सबको, परेशानियों को, कष्टों को, सबको हम काट देते हैं, अपने पैरों तले ज़मीन से रोन देते हैं। बाबा हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना पावर दे देते हैं ना, कि वो हम उसको चीरते हुए, उसे काटते हुए बाबा के करीब जा रहे होते हैं। तभी तो बाबा ने ये अश्योरिटी दी है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तो आपको बाबा खुद अश्योरिटी देते हैं, जो मेरा बच्चा मेरे सीढ़ी पर कदम रख देगा ना, मेरे समाधि मंदिर की सीढ़ी पर कदम रख देगा, उसके सारे कष्ट सारे परेशानियाँ रुंध जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा है, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने क्या कहा है, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। बाबा ने कहा है कि त्याग शरीर, मैं चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। अगर मेरा बच्चा एक भी बार मुझे प्यार से बुला लेगा ना, तो मैं उसके पास आ जाऊँगा, दौड़ते हुए आऊँगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ। और मैंने इस शरीर को त्यागा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पल पल तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम बस मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सोच में हूँ, मैं तुम्हारे एहसासों में हूँ, मैं तुम्हारे भावों में हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, तुम मुझे जहाँ पुकारोगे मैं वहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए तो मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ, हमेशा आता हूँ, बस मुझे पुकारो तो सही, मैं दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारे पास। फिर बाबा कह रहे हैं, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं, जो भी मेरा बच्चा अपने मन में ये दृढ़ विश्वास रख लेता है ना कि मेरा बाबा है, तो वो जब समाधि की सीढ़ी पर आता है, समाधि पर आता है, तो मेरी समाधि उसकी सारी आस, सारी इच्छाएं, सब कुछ पूरा करती है, सब कुछ मेरे दरबार से। कभी मेरा बच्चा खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता, और ना मैं उसे जाने देता हूँ, कभी नहीं जाने देता। और जब मेरा बच्चा मुझ पर दृढ़ विश्वास रखता है, मन में दृढ़ विश्वास रखता है ना, तो मेरी समाधि उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है, और मैं हर रूप में अपने बच्चों को दर्शन देने आता हूँ। जिस भी रूप में वो मुझे पुकारता है, याद करता है ना, जिस भी ढंग से, जिस भी तरह, मैं उसके पास चला आता हूँ, दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। तो बाबा अश्योरिटी देते हैं कि वो तुम्हारे पास में है, अपने बच्चे के पास में है हमेशा। फिर बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करे सत्य पहचानो, कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मुझे जीवित ही समझो तुम। चाहे मैंने इस शरीर को त्याग दिया है, लेकिन जो मेरी अस्थियाँ हैं ना, आज भी वो लोगों का उद्धार करती हैं, मेरे बच्चों का, मेरे भक्तों का उद्धार करती हैं, आज भी मेरी अस्थियाँ चलती हैं, मैं जीवित हूँ, मुझे जीवित ही जानो, अनुभव करे सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं, मेरा अनुभव करो, मेरे इतने अनुभव हैं, मेरी इतनी लीलाएं हैं, उसके बावजूद भी तुम मुझे जीवित नहीं समझते हो, मैं जीवित हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता भी हूँ तुम्हारी तरह, जब तुम रोते हो ना तो मैं भी रोता हूँ, मैं जीवित हूँ, जब तुम मुझसे बातें करते हो तो मैं तुम्हें जवाब भी देता हूँ, किसी के भी माध्यम से मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं जीवित हूँ, मुझे जीवित समझो तुम। और जो मेरी अस्थियाँ हैं ना, वो मेरे बच्चों का उद्धार करती हैं, मैं जाता हूँ, सबके पास जाता हूँ। फिर बाबा कहते हैं, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं, मेरी शरण में जो भी आता है ना, वो कभी खाली हाथ कभी नहीं जाता, ये हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मेरे पास आए और वो खाली हाथ चला जाए। कभी भी बाबा खाली हाथ नहीं भेजता अपने बच्चे को, कभी नहीं। और बाबा कहते हैं, हो तो कोई मुझे बताए, कोई बताए तो सही कि मैंने कभी अपने बच्चों को खाली भेजा हूँ, कभी किसी को खाली नहीं भेजा। मेरे दरबार में जो भी आज तक आया या आता है, उसकी सारी इच्छाएं मैंने पूरी की थी और पूरी करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा, युगों युगों तक
मैं अपने हर बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने ही यहाँ बैठा हूँ। मैं सबकी बातें सुनता भी हूँ, उनकी इच्छाएं पूर्ण भी करता हूँ। और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास मुझ पर बढ़ेगा, मुझ पर बनेगा, वैसे वैसे तुम्हें मेरे अनुभव भी होंगे। तुम मेरे अनुभव कर पाओगे, मेरा एहसास कर पाओगे, तुम मुझे महसूस कर पाओगे। जब तुम चाहो ना मुझे महसूस करना, तो अपनी आंखें बंद करना, मुझे महसूस करना, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये धूप, ये छांव, ये धरती, ये आसमान, ये मिट्टी, ये पेड़, ये पक्षी, ये पशु, इन सभी में मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। अगर तुम एक पत्थर में भी मुझे पुकारोगे ना, तो वो पत्थर भी तुम्हें आशीर्वाद देगा साईं बनकर। तुम पुकारो तो सही, तुम विश्वास तो करो मेरे ऊपर। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से कभी भी खाली हाथ कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे दरबार से तुम कभी खाली हाथ जा ही नहीं सकते मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अश्योरिटी लेता हूँ। बाबा ने वचन दिए हैं, और ये वचन यूँ ही नहीं दिए, ये वचन है। बाबा ने जाते जाते अपना शरीर त्यागते त्यागते ये अपने बच्चों को वचन दिए हैं। फिर बाबा ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं, जिस बच्चे का मेरा जैसा भाव रहता है ना, उसे मैं वैसे ही उसी माध्यम से दर्शन भी देता हूँ, उसे अपने अनुभव भी कराता हूँ, उसे अपना एहसास भी कराता हूँ। मैं ये वचन देता हूँ कि जो मेरा बच्चा जिस भी नज़र से, जिस भी भाव से मुझे पुकारेगा, जिस भी माध्यम से, जिस भी रूप में मेरा दर्शन पाना चाहेगा, उसे मैं उसी रूप में दर्शन भी दूंगा। जिस भाव से वो मुझे देखेगा, उस भाव से मैं उसे नज़र भी आऊंगा, वैसे ही रूप में मैं बन जाऊंगा मेरे बच्चे। बस तुम्हारे भाव ही मुझे बदल सकते हैं, तुम्हारे भाव, तुम्हारी नज़र, तुम्हारी सोच ही मेरा रूप बदल सकती है। मैं उसी रूप का हो जाता हूँ मेरे बच्चे। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं, जो तुम मेरी पूजा करते हो, जो तुम मेरी आराधना करते हो ना, तो तुम्हारा सारा भार तुम्हारे साईं के ऊपर है मेरे बच्चे, सब कुछ मेरे ऊपर है। तो मुझ पर विश्वास रखो, और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैं कभी अपने बच्चों से असत्य कभी नहीं कहता, मेरे सारे वचन सत्य हैं, एक एक शब्द, एक एक अक्षर सत्य है। मैं जो भी अपने बच्चे से कहता हूँ ना, वो एक एक शब्द, एक एक वचन मेरे सत्य हैं। कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। तुम्हारा एक एक भार वो मुझ पर है, मैं तुम्हारे सारे भार को लेने को तैयार हूँ, तुम्हारे सारे कष्टों को मैं लेने को तैयार हूँ। तुम अपना सब कुछ मुझ पर समर्पित क्यों नहीं करते, अपने आप को मुझ पर समर्पित क्यों नहीं करते मेरे बच्चे? अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे परेशानियों को मुझ पर समर्पित करो ना, सब कुछ मुझे दो, मैं लूँगा, मैं सब कुछ तुम्हारा सारा भार संभालूंगा। बस तुम हल्के हो जाओ मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हल्के रहो। बाबा ये कहते हैं कि तुम हल्के रहो, सारा भार मैं उठाऊंगा तुम्हारा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा सारे परेशानियाँ मैं उठाऊंगा, मैं अपने ऊपर लूँगा। और जिस मूर्ति को तुम मूर्ति समझते हो ना, अगर तुम उस मूर्ति में अपने साईं को देखोगे ना, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे घर पर ही विराजित हूँ। और अगर तुम उस मूर्ति को मूर्ति की तरह ही समझोगे, मूर्ति की पूजा मूर्ति की तरह करोगे, तो मैं मूर्ति हूँ, मेरा बच्चा जैसे देखेगा मैं वैसा ही हूँ मेरे बच्चे, मैं वैसा ही बन जाता हूँ। अगर मेरा बच्चा मुझे विश्वास से देखता है, प्यार भरी नज़रों से देखता है ना, तो मैं साक्षात होता हूँ, तुम्हारे घर पर विराजित होता हूँ मेरे बच्चे, मैं विराजित हूँ तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा साईं चुप बैठकर सब कुछ देखता है, तुम्हारी सारी चीज़ें स्वीकार करता है, तो नहीं मेरे बच्चे, मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ, मैं चुप नहीं बैठता, उसका मैं सब कुछ चुकाता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ चुकाता हूँ। तुम जो भी मुझे देते हो ना, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें दुगना लौटाता हूँ मेरे बच्चे। चाहे तुम मुझे एक रुपया दो, उसका मैं 100 रुपये लौटाता हूँ, दुगना लौटाता हूँ। तुम जितना मुझे प्यार देते हो ना, उसका भी मैं तुम्हें दुगना ही लौटाता हूँ मेरे बच्चे, दुगना चौगना अपने बच्चों को लौटाता हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्यार करता है। और सुनो, फिर बाबा ने क्या कहा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। बाबा कहते हैं कि तुम जब परेशान होते हो, जब तुम्हें सहायता की ज़रूरत होती है, तो इधर उधर क्यों भटकते हो, लोगों के पास में क्यों जाते हो, क्यों सहायता मांगते हो? क्या लोग तुम्हारी मदद करते हैं? और करते भी हैं तो सिर्फ एक
लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड चीज़ों के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तेरी अश्योरिटी लेता हूँ कि जब तक तेरी मदद मैं करूँगा, जब तक तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स को नाश नहीं हो जाएगा, सारे कष्ट ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं मेरे पास आना, जब मैं तेरी अश्योरिटी लेता हूँ तो सहायता मुझसे मांगना, हेल्प मुझसे मांगो। तुम क्या करते हो, चारों तरफ भटक रहे हो, मुझसे सहायता लो, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। बाबा कहते हैं ना, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझसे मांगो। जो भी तुम मांग रहे हो ना, वो तुमसे दूर है ही नहीं, वो तुम्हारे बहुत करीब है, वो सिर्फ पता है कहाँ अटका हुआ है, कितना नज़दीक है तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे मांगने की देरी है और बाबा की तुम तक पहुँचाने की बस उतनी देरी होती है, उतनी कुछ मिनटों की दूरी। तुम्हारा कहना और बाबा का तुम्हें देना सिर्फ इतना होता है, तो वो मांगो, बाबा से कहो, हेल्प लो बाबा से। हम दुनिया से कहने में, हेल्प मांगने में शर्म नहीं करते, तो बाबा से क्यों करते हैं, वो तो हमारे बहुत प्यारे से बाबा है ना, तो बाबा से मांगो ना। उन्होंने हमें अश्योरिटी दी है कि जो हम मांगेंगे बाबा से, बाबा हमें देंगे, तो बाबा से कहो, चाहे वो सांसारिक सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख हो, कुछ भी हो, बाबा से कहिए, बाबा आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ। फिर बाबा कहते हैं, मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा कहते हैं, जो मेरा बच्चा तन से मन से मेरा हो जाता है, जो मेरा बच्चा बन जाता है, जो मुझ में लीन हो जाता है, उस बच्चे में मैं भी वास करता हूँ, उस बच्चे के साथ मैं हमेशा होता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि उस बच्चे की काया के साथ, उस बच्चे के शरीर के साथ परछाई बनकर मैं साथ साथ रहता हूँ, पल पल मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, हर पल उसकी परछाई बनकर चलता हूँ, हर पल। उसका ऋण ना कभी चुकाया, बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा, जब मेरा बच्चा मेरी भक्ति करता है, मुझसे इतना प्यार करता है ना, तो मैं उसका ऋण चुका नहीं पाता, मैं ज़िंदगी भर उसका ऋणी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होता हूँ और मैं अपने बच्चों का ऋण कभी नहीं चुका पाता, कभी नहीं। वो जिस तरह से मुझ पर समर्पित हो जाते हैं, और मैं ना हमेशा अपने बच्चों का ऋणी रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं ना उनका ऋण कभी चुका ही नहीं पाता, क्योंकि वो मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा साई साई करते हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके कामों में, हर जगह मैं बस जाता हूँ, तो मैं उनका ऋण कैसे चुका सकता हूँ, मैं चुका ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। फिर बाबा ने अंत के 11 वचनों में कहा है, धन्य धन्य वे भक्त अनय, मेरी शरण तज जिसे ना अनय। तो बाबा ने कहा है कि जो मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें धन कहता हूँ, वो मेरे बच्चे तो धन हैं, उनकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता, उनकी भक्ति से मैं हैरान रहता हूँ, उनकी कोई भक्ति की, उनके कोई प्यार की तुलना नहीं कर सकता, वो सबसे अलग बच्चे होते हैं, वो मेरी शान होते हैं, वो मेरे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत ख़ास बच्चे होते हैं, और उनकी भक्ति को मैं सलाम करता हूँ, उनकी भक्ति को मैं धन कहता हूँ, वो बच्चे मेरे इतने ख़ास होते हैं, इतने मेरे करीब होते हैं, मेरे हृदय में होते हैं, वो बच्चे साईं के हृदय में वास करते हैं, और जो मेरे बच्चे मेरी शरणागत आ जाते हैं ना, वो मेरे बहुत करीब आ जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत करीब। उन बच्चों को मुझ पर इतना विश्वास हो जाता है ना, चाहे मैं उनके लिए कुछ करूं या ना करूं, उन्हें मुझ पर इतना विश्वास होता है कि मेरे साईं अगर आज नहीं कर रहे तो कल मेरा भविष्य बहुत सुनहरा वो लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत मेरा भविष्य होगा। जिस तरह से हम अपने साईं को विश्वास से पकड़ लेते हैं ना, उतने ही विश्वास से हमारे साईं भी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमें छोड़ते नहीं, चाहे हम उन्हें छोड़ देना, पर वो हमें छोड़ते नहीं। उस वक्त हम बिल्कुल ब्लाइंड फेथ बाबा पर करते हैं, बिल्कुल अंधविश्वास कर आंखें बंद कर बाबा का हाथ पकड़ कर चलते हैं, और बाबा हमें रास्ते दिखाते जाते हैं, क्योंकि हम बाबा के शरण में होते हैं, हम बाबा के बच्चे होते हैं, तो बाबा हमारी हमेशा हमेशा बाबा हमारी रक्षा करते हैं, बाबा हमेशा हमारे रक्षक बनकर, हमारे परिवार के रक्षक बनकर हमारा साथ देते हैं हमेशा, क्योंकि हम बाबा में लीन हो चुके होते हैं, बाबा के करीब आ चुके होते हैं, बाबा के खास बच्चे बन चुके होते हैं। तो ये इतने शक्ति है ना इन 11 वचनों में, अगर आप ये 11 वचन रोज रात को सोने से पहले करेंगे और सुबह उठते ही आप स्नान कर करेंगे ना,
तो आप देखना इसकी इतनी पावर है, इतनी शक्ति है ना, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी, इतनी ताकत आएगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी चारों तरफ से। जहां आपके काम नहीं बन रहे ना, वहां आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर बहुत शक्ति आएगी, बहुत हिम्मत आएगी। लेकिन जब भी हम 11 वचन पढ़ें या सुने, तो जो आपको मैंने बताया उस हिसाब से करें, समझ कर करें, फिर देखना ये 11 वचन बहुत आपके लिए कारगर साबित होंगे। सिर्फ गाना गाकर या संगीत की तरह लय में नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना नहीं है, उसे समझ समझ कर बोलना है, ऐसे कि जैसे बाबा हमसे स्वयं ये सारे वचनों में कह रहे हैं। क्योंकि इन वचनों के अलावा तो अब कुछ बचा ही नहीं है बाबा का कुछ कहना। बाबा ने इन 11 वचनों में अपने बच्चों को बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। सारा संसार का सुख, सारी इच्छाएं पूरी करने का बाबा ने इसमें अश्योरिटी बाबा ने अपने वचनों में दे दी। इससे ज़्यादा बाबा और क्या करेंगे, बस हम ही, हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। अगर हम पूरे विश्वास से समझ कर 11 वचनों को रोज़ पढ़ेंगे ना, तो देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बाबा पर विश्वास करिए, आपके अंतरात्मा से इतना विश्वास आपका बाबा पर दृढ़ हो जाएगा ना, इतना अटूट विश्वास हो जाएगा, ये 11 वचन आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देंगे ना, कि आप हर चीज़ का सामना बहुत आसानी से कर पाओगे। और बाबा के वचन कभी असत्य नहीं होते। आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा, आपको किसी से भय नहीं रहेगा कि मुझे इससे डरना है। आपके अंदर हिम्मत, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, क्योंकि आपको अश्योरिटी है, आपको विश्वास है कि मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। आप डरोगे नहीं किसी से, आप खड़े रहोगे मजबूती से, और बाबा आपके साथ खड़े हैं। बाबा के वचन असत्य नहीं है, सत्य हैं। बाबा की लीला युगों युगों से चलती आ रही है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। बस बात है विश्वास की, भक्तों के विश्वास की। जहां बच्चा नहीं डगमगाएगा ना, वहां बाबा अपनी लीला स्वयं आकर दिखाते हैं, स्वयं। तो चलिए रोज आप करिए, 11 वचन पढ़िए सुबह शाम। मैं लूंगी अब समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।